सदस्यों को पकड़ा है उसके बारे में थोड़ी डिटेल से बताएं। जो हमारे सामने जो पूछताछ में है, जो नीरज बोनिया गैंग है जिससे इसके तार जुड़े हुए हैं, जो अरविंद नाम का लड़का है उसके साथ पहले दो केसों में भी इन्वॉल्व रहा है, जो तिहाड़ जेल में ज्वाइंट में रहे हैं, उसके बाद दोनों केस में बेल पर आने के उपरांत, तो जिस तरह से गैंग का सदस्य होने का इसको अपनी जान का खतरा रहता है, क्यों इसके भी विरोधी तैयार हो चुके हैं, जिसने अपना उसके बाद जो नीरज और पंकज जो दोनों भाई हैं जो जेल के अंदर हैं, उसके वकीलों का और जो उसके घर का संभालना ये काम करता है, और अपने जिस तरह से केस वार रहने के कारण जिसके दो आदमी इसके भी कोई दूसरे गैंग के सदस्य हो गए, तो जिससे अपनी जान की रक्षा के लिए अपने साथ एक दो आदमी को रखता है और वेपन साथ में रखता है, और वेपन भी जो इसको बताया है जो चात नाम का व्यक्ति है जो राजपुर गाजियाबाद का है जहाँ से वेपन लेता है, और इसके पास मैंने जो रिकवरी में मिले हैं तीन मोबाइल के अंदर जहाँ से मैं एक्सपोर्ट जो बाहर के नंबर हैं जो उसके अंदर है ओनली सिर्फ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आईडी यूज़ करता है। तो अब आगे जो इसके 3 दिन का रिमांड हासिल किया गया है अरविंद का, और बाकी अमित और अमन को 14 दिन की जुडिशियल में भेजा गया है, जो अरविंद से जो भी आगे वहां पर राजपुरा में पहुंच करके जो भी तथ्य सामने आएंगे भाई को प्रस्तुत किए जाएंगे। किस प्रकार की गाड़ी पकड़ी है अरविंद से? गाड़ी स्कॉर्पियो है जिसका नंबर मैंने आपको बता भी दिया पहले, काले रंग की है जिसको मॉडिफाइड किया हुआ है, बुलेट प्रूफ किया हुआ है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर ये आरोपी? ये सर जो तथ्य में आया है जो पानीपत से चल करके रामरा गांव जींद में जा रहे थे, जो हमें सूचना के आधार पर मेरी सहयोगी टीम ने तो इनको गोली टी पॉइंट सावण में काबू किया है। सर कुछ बरामदगी भी हुई है? बरामदगी जो अरविंद से हुई है, अरविंद से पास 9 mm पिस्टल, 2 मैगजीन और 26 राउंड टोटल, और जो एक है अमन नाम के लड़के से 32 बोर का रिवॉल्वर और 3 राउंड जिंदा 1 मैगजीन, और जो अमित है जो नीरज के बड़े भाई पंकज का साला है उससे मतलब 12 बोर के टोटल 37 राउंड बरामद हुए हैं, तो जो कब्जा में लिए गए हैं, जो आगे की जो रिमांड के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको सूचित करेंगे। अरविंद से क्या किया गया सर? अरविंद से एक 9 mm का पिस्टल है जिसके अंदर 2 मैगजीन है, मैगजीन के अंदर तो टोटल 2 मैगजीन और टोटल 26 राउंड 9 mm के बरामद हुए हैं, और इससे 3 मोबाइल बरामद हुए हैं जिनके अंदर जो मोबाइलों के अंदर है जो एक्सपोर्ट नंबर है जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आईडी पर यूज करता है। ये पिस्टल इंपोर्ट किया गया सर पास? अब जो है तो इसमें जो मतलब जहाँ इंपोर्टेड है जी, तो कहीं वारदात के लिए जा रहे थे सर? वारदात के लिए भी कोई तथ्य जो जो ड्यूरिंग द रिमांड जो सामने आएगा तो आपके सामने समक्ष रखा जाएगा। जैसे गाड़ी भी इन्होंने मॉडिफाई कर रखी है बुलेट प्रूफ अपने जी बताया था पहले भी, दो गाड़ी मॉडिफाई की हुई है। देखो जो पहले गैंग से रिलेटेड है तो गैंग से रिलेटेड होने के कारण इसने भी खुद अपनी जान का खतरा होता है, इसके विरोधी हो सकते हैं, तो इसीलिए अपनी जान की सेफ्टी के लिए अपने साथ वेपन भी रखता था, अपने साथ बंदी भी रखता था और गाड़ी को मॉडिफाई किया हुआ है। बैकग्राउंड के बारे में कुछ सर पता लगा? इसकी बैकग्राउंड जो अरविंद की है, अरविंद के पहले ऑलरेडी 2 मुकदमे, एक तो जो बागपत से जो एक एक्यूट को कस्टडी से छटवा था और एक कंजावला थाने के दिल्ली के अंदर ही कोई प्लाट को कब्जा छटवाने के बारे में दर्ज हुआ था।